डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दादी माँ की बगिया। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरी बगिया में। और मैं आज आपको ये बताने जा रही हूँ कि सावन में सभी को भोले बाबा पर चढ़ाने के लिए फूल और बेल पत्र जरूरत होती है। और वास्तु शास्त्र के अनुसार भी गार्डन में 5 प्लांट जरूर होने चाहिए। जैसे ये देखिए, मैंने एक समी का प्लांट लगा रखा है। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा समी का प्लांट चल रहा है। और ये देखिए तुलसी का प्लांट है। और सामने आपको इतना बड़ा देखिए नीम बाहर तक ऊपर तक जा रहा है। हमारे ग्रीन शेड को ऊपर निकल गया वो नीम का पेड़ है। और ये देखिए लक्ष्मी का प्रतीक एलोवेरा हमारे पास में है। अब मेरे पास में एक चीज़ नहीं थी, वो थी बेलपत्र, जिसको बेलपत्री भी बोलते, बेलपत्र बोलते, उसका प्लांट नहीं था। तो बच्चे अब सावन में आए, हर रोज़ भागेंगे चलो मार्केट से बेलपत्र लाए। तो हमने सोचा क्यों ना आपने इतना बड़ा गार्डन एक बेलपत्री भी लगाई जाए। तो आज उसी का प्लांट हम लगाने जा रहे हैं, क्योंकि ये समय भी बहुत अच्छा है। बरसात में कोई भी प्लांट आप फल का, फूल का, या ये मतलब वास्तु शास्त्र के अनुसार जो अच्छे प्लांट माने जाते हैं, ये आप सब बरसात में बिना सोचे समझे लगा सकते हो। क्योंकि ये तो चलना ही चलना है, इसमें आपको ये डाउट नहीं रहेगा कि ये सूख जाएगा, नहीं चलेगा। क्योंकि यही महीना एक ऐसा होता है जुलाई का, जिसमें बारिश होती है और रिमझिम भी होती, तेज भी होती, लेकिन इसमें प्लांट आपका और सीड बहुत अच्छे से चलता है। तो इस समय मैं सारे प्लांट लगाती हूँ। तो इसी में हम आज आपको दिखाते हैं कि बेलपत्र हम कैसे लगाएंगे। अब ये देखिए मैंने 28x28 का ग्रो बैग ऊपर तक भर लिया। ये देखिए इसका साइज देखिए, सबसे बड़ा गमला मेरे पास 28 इंच चौड़ाई और 28 इंच इसकी लंबाई है। इसको मैंने इस तरह से फूल भर लिया और ये बीच में मैंने कर दिया इसके गड्ढा। इसके बाद में ये हमारी किचन वेस्ट है, इसमें हमने चीटी का पाउडर खली अली डाल के सभी मिट्टी तैयार कर दी और इस बीच में हम इसके डाल रहे हैं। ये देखिए इस तरह से ये मैंने भर दिया। और इसमें जो हम नर्सरी से ये प्लांट लाए हैं, इसको लगाने जा रहे हैं। ये देखिए, अब देखिए ये मैंने इसमें गड्ढा कर लिया और इसमें अच्छे से मिट्टी भर दी। और अब इसमें जाके ये बेलपत्र को नीचे से थोड़ा सा जड़ ओपन करके इस तरह से इसमें हम इसको लगा रहे हैं। और ये मिट्टी ज़रूर रखना, क्योंकि ये इसके शुरुआत से इसके साथ मिट्टी रही, तो थोड़ी सी मिट्टी इसमें जड़े ना सारी ना खुलने पाए। इस तरह से गड्ढा कर लिया खूब गहरा, ये देखिए, और इसमें इस तरह से लगा के। और ये मैं बेलपत्र को लगा दिया है। और ये हमारे हिंदू धर्म में सावन में पूजा के काम बेलपत्र बहुत आती है, तो इसलिए मैंने और जल्दी से लगाया। चलो बारिश है, हो रही है, हमारा ये प्लांट लग जाएगा। और एक बात ध्यान देने वाली है कि पर्यावरण के लिए भी ये सब प्लांट बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि आजकल प्रदूषण इतना फैल रहा है, तो उसके हिसाब से भी कुछ वृक्ष भी हम लगा रहे हैं। जैसे नीम लगा दिया है, बड़ा हो रहा है, और ये भी बड़ा थोड़ा होगा तो हमारे कई फायदे होंगे। एक तो हमें पूजा के लिए बेलपत्र मिल जाएगा घर में ही, दूसरे वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी बहुत अच्छा है ये पेड़ लगाना, और तीसरी बात ये है कि थोड़ा सा हमारा यहाँ का वातावरण भी अच्छा रहेगा इन प्लांटों की वजह से। तो यही मुझे करना था, मैंने सोचा आपको भी दिखाऊं कि इस समय आप अगर फल के या बड़े प्लांट कोई लगाना चाहे तो बारिश के समय लगा दीजिए, आपका बहुत अच्छे से चल जाएगा। मुझे यही करना था। आज ही हमारा प्लांट थोड़ा टेढ़ा हो गया, तो हो रहा है, ये नर्सरी से लाए थे, 2 दिन से रखा है, हमने डायरेक्ट ला के नहीं लगाया, इसको थोड़ा पेड़ों के साथ में छोड़ दिया था। और इस तरह से लकड़ी इसके बांधी सपोर्ट के लिए, एक और बांधेंगे और इसको बांध देंगे, सीधा कर देंगे। और देखिए इस तरह से इसकी रिच मिट्टी बना के और इतने बड़े ग्रो बैग में लगा दिया। तो कैसा लगा हमारा ये प्लांट लगाने का सिस्टम? अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।